हेलो फ्रेंड्स एंड मेडोसडेंट पैथोफिजियोलॉजी बीपी टू जीरो फोर टीके इस वीडियो में हम लोग पैथोफिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम एंड अल्सर के थर्टी वन इम्पोर्टेंट एम सी क्यू क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे मेरा नाम है डॉक्टर मेहमताप सिंह तो चलिए शुरू करते हैं तो इसमें जो हमारा सब पास सबसे पहला क्वेश्चन है उस पर आते हैं वेन डू यू लेबल ए सीजर एज ए एपीलेप्सी जो हमारा होता है सीजर इसका मतलब होता है जो है दौरा तो जो हमारा होता है दौरा उसको हम लोग कब इपीलेप्सी कहते हैं ऑप्शन देख लेते हैं पहला ऑप्शन है हमारा द प्रजेंस ऑफ फैमिली हिस्ट्री दूसरा ऑप्शन है हमारा मोर देन वन अन सीजर तीसरा ऑप्शन है हमारा मोर देन वन सीजर और अंतिम ऑप्शन है हमारा मोर देन टू प्रवोक्ट सीजर तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा होता है सीजर उसको हम लोग एक तरह से कब इपीलेप्सी कहते हैं तो अगर जो हमारा पेशेंट है उसके अंदर एक से ज्यादा अनप्रवोक्ड अगर हमें सीजर देखने को प्राप्त होते हैं तो उस कंडीशन में उसको हम लोग इपिलेप्सी से लेबल करते हैं उसको हम लोग इपिलिप्सी कहते हैं अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर एक्सेप्ट ऑप्शंस देख लेते हैं पहला ऑप्शन है हमारा ए एम पी ए दूसरा ऑप्शन है हमारा एन तीसरा ऑप्शन है हमारा गाबा और अंतिम ऑप्शन है हमारा ग्लूटामेट तो अगर हम बात करते हैं कि ये जो हमारे हैं इनमें से हमारा कौन सा एक्साइटेटरी न्यूरो नहीं होता है तो जो हमारा गाबा होता है ये हमारा एक्साइटेटरी न्यूरो नहीं होता है और जो हमारे तीनों हैं वो हमारे एक्साइटेटरी न्यूरो होते हैं बट हमारा गाबा जो है एक्साइटेटरी न्यूरो नहीं होता है अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पा पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एबनॉर्मल्टी इज एसोसिएटेड विद द जनरलाइज्ड इपीलेप्सी एंड वो फेब्रिल सीजर प्लस सिंड्रोम ऑप्शन देख लेते हैं पहला ऑप्शन है हमारा सोडियम चैनल म्यूटेशन दूसरा ऑप्शन है हमारा कैल्शियम चैनल म्यूटेशन तीसरा ऑप्शन है हमारा पोटेशियम चैनल म्यूटेशन और अंतिम ऑप्शन है हमारा क्लोराइड चैनल म्यूटेशन तो अगर हम बात करते हैं कि इनमें से एक तरह से वो कौन सी एबनॉर्मेलिटी है जो कि एसोसिएटेड होती है हमारे जनरलाइज जो इपिलेप्सी है या जो हमारा होता है वो फैब्रिल वो सीजर प्लस होता है उसके साथ में एसोसिएटेड होती है तो जो हमारा होता है एक तरह से होता है सोडियम चैनल म्यूटेशन वो इसके साथ में एसोसिएटेड होता है अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर विच ऑफ द फॉलोइंग एबनॉर्मेलिटी इज एसोसिएटेड विद द उजोविनाइल मायोक्लोनिक इपिलेप्सी ऑप्शंस देख लेते हैं ऑप्शंस अगेन हमारे पास सेम है सोडियम चैनल म्यूटेशन दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम चैनल म्यूटेशन तीसरा ऑप्शन है पोटेशियम चैनल म्यूटेशन और अंतिम ऑप्शन है हमारा क्लोराइड चैनल म्यूटेशन तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द दिन बायोक्लोनिक एपिलेप्सी के बारे में तो इनमें से कौन सी जो हमारी एबनॉर्मलिटी है वो इसके साथ में एसोसिएटेड होती है तो जो हमारा होता है क्लोराइड चैनल म्यूटेशन वो इसके साथ में एसोसिएटेड होता है अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग एव इज एसोसिएटेड विद द टेम्पोरल लोब इपिलिपसी ऑप्शन हमारे पास अगेन जो है सेम है पहला है सोडियम चैनल म्यूटेशन दूसरा है कैल्शियम तीसरा है पोटेशियम और अंतिम है हमारा क्लोराइड चैनल म्यूटेशन तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द टेम्पोरल लोब इपीलेप्सी के बारे में तो जो हमारा होता है एक तरह से पोटेशियम चैनल का होता है वो म्यूटेशन वो इसके साथ में एसोसिएटेड होता है ये जो हमारी एबनॉर्मेलिटी है ये हमारे इसके साथ में एसोसिएटेड होती है अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स द वो पैथो फिजियोलॉजी विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द प्रसिपिटेशन ऑफ द सीजर्स ऑप्शन देख लेते हैं पहला ऑप्शन है हमारा द इंक्रीज्ड ग्लूटामेट इंक्रीज GABA दूसरा ऑप्शन है हमारा द इंक्रीज AMPA इंक्रीज GABA तीसरा ऑप्शन है हमारा इंक्रीज ग्लूटामेट डिक्रीज GABA और अंतिम ऑप्शन है हमारा डिक्रीज ग्लूटामेट एंड इंक्रीज GABA तो अगर हम बात करते हैं कि इनमें से वो कौन सी हमारी होती है पैथो फिजियोलॉजिक हमारी कंडीशन होती है वो जो कि हमारे जो सीजर्स हैं उनको एक तरह से प्रेसिपिटेट करने के लिए इंपॉर्टेंट रीजन होती है तो जो हमारा होता है ग्लूटामेट जो वो जब वो इंक्रीज़ हो जाता है और जो हमारा गाबा है जब वो डिक्रीज हो जाता है तो उस कंडीशन में वहां पे सीजर प्रिसिपिटेट होता है तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज सी इंक्रीज ग्लूटामेट डिक्रीज वो गाबा जब होता है तब वहां पे जो हमारा सीजर है वो प्रिसिपिटेट होता है जो हमारा होता है दौरा वो वहां पर हमें देखने को प्राप्त होता है अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन द मेन डिफरेंस बिटवीन द सिंपल पार्शियल एंड कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर जो हमारा होता है सिंपल पार्शियल सीजर होता है और कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर होता है उनके बीच में जो मेन डिफरेंस है वो इनमें से क्या होता है ऑप्शंस देख लेते हैं पहला ऑप्शन है हमारा यूनिक और बाइलेटरल दूसरा ऑप्शन है हमारा द फोकल आर जनरलाइज तीसरा ऑप्शन है हमारा कॉन्सियसनेस आर अनकॉन्सियसनेस और अंतिम ऑप्शन है हमारा अपसेंस आर प्रेजेंस ऑफ द और तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा होता है सिंपल और जो हमारा कॉम्प्लेक्स होता है पार्शियल सीजर उनके बीच का जो मेन डिफरेंस है उसको हम एक तरह से इनमें से किससे इंडिकेट करते हैं तो जो हमारा है एक तरह से कॉन्सियसनेस है और अनकॉन्सियसनेस है इससे हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द सी कॉन्सियसनेस आर अनकॉन्सियसनेस स तो अगर हम बात करते हैं जो हमारा सिंपल पार्सियल सीजर होता है उस कंडीशन में जो हमारा पेशेंट होता है उसके अंदर कॉन्सियसनेस रहती है अवेयरनेस रहती है बट जो हमारा कॉम्प्लेक्स पार्सियल सीजर होता है उसमें जो हमारा पेशेंट है उसके अंदर जो है अवेयरनेस उसका कंप्लीटली लॉस हो जाता है वो अनकॉन्सियस हो जाता है अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर एट यहाँ पे गलती से सात हो गया है ये क्वेश्चन नंबर एट है द मेजर रिस्क फैक्टर ऑफ द न्यू नेटल प्रोसीजर इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट ऑप्शन देख लेते हैं पहला ऑप्शन है हमारा प्रीमेच्योर दूसरा ऑप्शन है हमारा हेड ट्रोमा तीसरा ऑप्शन है हमारा लो बर्थ वेट और अंतिम ऑप्शन है हमारा द हाइपोक्सिया, इससे इंसेफलोपैथी तो अगर हम बात करते हैं कि इनमें से एक तरह से वो कौन सा हमारा जो न्योनेटल सीजर होता है उसका मेजर रिस्क फैक्टर नहीं होता है तो जो हमारा होता है हेड ट्रोमा होता है वो इसका मेजर रिस्क फैक्टर नहीं होता है तो जो हमारा होता है न्यूनेटल वो सीजर इसमें जो हमारा होता है हेड का वो ट्रोमा होता है या हम कह सकते हैं कि जो हमारा हीमोरेज होता है इसमें हमें देखने को प्राप्त नहीं होता है अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन द पार्किसन डिजीज इज मार्ग बाई ए लैक ऑफ विच केमिकल इन द ब्रेन ऑप्शन देख लेते हैं पहला ऑप्शन है हमारा द दूसरा ऑप्शन है हमारा गाबा तीसरा ऑप्शन है हमारा

तो इसकी जब एक तरह से पेशेंट के अंदर हमें कमी देखने को प्राप्त होती है तो उसके अंदर पार्किंसन डिजीज हो जाती है अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर वो टेन व्हाट इज द एवरेज एज व्हेन द पार्किंसन डिजीज फर्स्ट अपीयर ऑप्शन है हमारे ट्वेंटी फाइव दूसरा है फिफ्टी तीसरा है सिक्सटी और अंतिम है हमारा सेवेंटी फाइव तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा होता है वो एक तरह से पार्किंसन डिजीज है वो एक तरह से इनमें से वो किस एज uh, ग्रुप में हमें सबसे ज्यादा देखने को प्राप्त होता है या एक तरह से इनमें से जो हमारा एज ग्रुप है उसमें से में वो सबसे पहले देखने को प्राप्त होता है तो जो हमारे पेशेंट 60 ईयर के होते हैं उनमें जो हमारा है जो है डिजीज है पार्किंसन डिजीज़ वो वहां पे फर्स्ट अपीयर होता है तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज वो 60 तो अगर हम बात करते हैं अबाउट हमारा पार्किंसन डिजीज है ये अधिकतर हमें जो होते हैं मेन्स उनके अंदर ज्यादा देखने को प्राप्त होता है एज कंपेयर टू वुमेन अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन व्हाट इज ऑफन द फर्स्ट सिम्टम ऑफ द पार्किंसन डिजीज जो हमारा पार्किंसन डिजीज है उसका फर्स्ट सिम्टम इनमें से क्या होता है ऑप्शंस देख लेते हैं पहला ऑप्शन है हमारा हेड दूसरा ऑप्शन है हमारा नौसिया तीसरा ऑप्शन है हमारा द सेकिंग ऑफ हैंड एंड फूट और अंतिम ऑप्शन है हमारा द टर्निंग ऑफ द हेड तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा पार्किसन डिजीज है उसका हमारा फर्स्ट सिम्टम इनमें से क्या होता है तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज सी शेकिंग ऑफ द हैंड आर फुट तो जो हमारे 10 में से 7 पेशेंट होते हैं एक तरह से पार्किंसन के उनमें हमें जो उनके हैंड और फुट होता है उसके अंदर एक ритमिक सेकिंग मूवमेंट देखने को प्राप्त होता है तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द सी सेकिंग ऑफ हैंड और फुट अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व हाउ इज द पार्किंसन डिजीज डायग्नोज जो हमारी पार्किंसन डिजीज है उसको हम लोग कैसे डायग्नोज करते हैं पता करते हैं ऑप्शन है हमारे पहला ऑप्शन है हमारा विद ए ब्लड टेस्ट दूसरा ऑप्शन है विद ए न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन तीसरा ऑप्शन है विद एन एक्सरे और अंतिम ऑप्शन है ऑल ऑफ द तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द डायग्नोसिस ऑफ द पार्किंसन डिजीज तो उसके लिए हम लोग न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन को प्रेफर करते हैं उससे हम इसको आइडेंटिफाई सही करते हैं तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा विद ए न्यूरोलॉजिकल एग्जाम अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हाउ इज द पार्किंसन डिजीज ट्रीटेड जो हमारी पार्किंसन डिजीज है उसको हम लोग इनमें से किसको यूज करके ट्रीट करते हैं ऑप्शंस देख लेते हैं पहला ऑप्शन है हमारा मेडिसिन दूसरा ऑप्शन है हमारा द सर्जरी तीसरा ऑप्शन है रेडिएशन और अंतिम ऑप्शन है ए एंड बी तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ द पार्किंसन डिजीज तो उसमें हम लोग एक तरह से जो हमारी मेडिसिन है उनको भी यूज़ करते हैं और वहाँ पे हम जो हमारी सर्जरी है उसको भी हम वहाँ पे करके इसको ठीक करते हैं तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द डी एंड बी तो जो हमारी होती है वो पार्किंसन इसको हम लोग ठीक नहीं कर सकते हैं इसमें क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन है उसके अंदर डोपामिन की वहाँ पे हो जाती है कमी तो उसके लिए हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं एक तरह से मेडिसिन को हम वहाँ पे करते हैं यूज़ जिससे कि जो उसके हैं सिम्टम वगैरह वो वहाँ पर प्रॉपरली कंट्रोल में आ जाएँ तो इसके लिए हम लोग एक अच्छी ड्रग है जिसका नाम है हमारा जो है वो लिवो इसको हम लोग इसके लिए यहाँ पर एक तरह से यूज़ करते हैं और जो हमारा होता है वो लियोडोपा वो जब हमारे ब्रेन में जाता है तो वहां पे वो हमारा डोपामीन में कन्वर्ट हो जाता है और इसके लिए हम लोग कुछ वो सर्जरी भी इसको ठीक करने के लिए से कर सकते हैं जिसमें जो हमारा होता है एक तरह से इम्यूनो स्टिमुलेटर्स होते हैं उसको हम इम्प्लांट करते हैं जो हमारा होता है स्टेमोसेल्स होता है वो जहां से हमारा वो डोपामीन सिक्रीट होता है उसको हम वहां पर वो ट्रांसप्लांट करते हैं तो जो हमारी होती है वो एक तरह से मेडिसिन होती है उसको भी हम लोग यूज़ करते हैं और वहां पे हम लोग सर्जरी को करते हुए भी इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट हम तो जो हमारी पार्किंसन डिजीज होती है उसके कितने स्टेज होते हैं ऑप्शंस देख लेते हैं पहला ऑप्शन है हमारा टू दूसरा ऑप्शन है फोर तीसरा ऑप्शन है फाइव और अंतिम ऑप्शन है हमारा सेवन तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द स्टेजे ऑफ पार्किसन डिजीज तो जो हमारा पार्किसन डिजीज है उसके पांच स्टेज होते हैं तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द सी फाइव जो इसका होता है एक तरह से पहला स्टेज होता है उसमें जो हमारे है बॉडी का एक साइड का पार्ट है उसमें हमें सेकिंग देखने को प्राप्त होता है जो हमारी दूसरी स्टेज है उसमें क्या होता है कि जो हमारी हमारे बॉडी के वो दोनों साइड के जो पार्ट होते हैं उनमें हमें वो सेकिंग देखने को प्राप्त होता है जो हमारा तीसरा स्टेज है उसमें जो हमारे होता है बॉडी का बैलेंस वो वहां पर उसका इम्पेयरमेंट हो जाता है और जो हमारा फोर्थ स्टेज है उसमें क्या होता है कि जो हमारा होता है वो पेशेंट उसको एक तरह से किसी के असिस्टेंट की आवश्यकता होती है उसके अंदर हमें वो डिसएबिलिटी देखने को प्राप्त होती है मीन्स उसको एक तरह से किसी का हम कह सकते हैं कि सहारा वो लेना पड़ता है और अंतिम स्टेज में क्या होता है कि जो हमारा पेशेंट है वो हमारा कंप्लीटली एक तरह से बेड पर हो जाता है या उसको एक तरह से व्हील की आवश्यकता वहाँ पर होती है तो जो हमारा पार्किंसन है उसकी हमारी टोटल पांच स्टेजेस यहाँ पे होती हैं अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन व्हाट इज एनदर नेम ऑफ स्टोक जो हमारा स्टोक होता है उसका और क्या नाम होता है ऑप्शंस देख लेते हैं पहला ऑप्शन है हमारा हार्ट अटैक दूसरा ऑप्शन है ब्रेन अटैक तीसरा ऑप्शन है मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन और अंतिम ऑप्शन है नन ऑफ द एब तो अगर हम स्ट्रोक के बारे में बात करते हैं तो इसका जो एक तरह से अदर नेम है वो हमारा ब्रेन अटैक कहलाता है तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द बी ब्रेन अटैक जो हमारा स्ट्रोक्स होता है वो आ, जो अक्सर इस कंडीशन में होता है कि जो हमारा है एक तरह से ब्रेन उसके अंदर जब ब्लड की जो हमारा सप्लाई है ब्लड का जो फ्लो है वो वहाँ पे इंटरप्टेड हो जाता है जो हमारे होते हैं एक तरह से वेसल्स होते हैं उनके अगर अगर कोई क्लॉट हो जाता है तो जिसके कारण कि जो हमारा ब्रेन है उसके अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो वहाँ पर इंटरप्टेड हो जाता है इसको हम लोग स्टेमिक अटैक कहते हैं और ये जो हमारा है एक तरह से जो ब्लड की वेसल्स होती हैं हमारे ब्रेन के अंदर अगर वो ब्रष्ट हो जाती हैं एक तरह से फट जाती हैं तो उस कंडीशन में जो हमारा स्ट्रोक है वो हमारा कहलाता है हीमोरेजिक स्ट्रोक कहलाता है तो जो हमारा स्ट्रोक है उसका जो हमारा और दूसरा नाम है वो हमारा ब्रेन अटैक कहलाता है अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर विच ऑफ दीज इज ए सिम्टम ऑफ स्ट्रोक स्टोक का इनमें से कौन सा हमारा सिम्टम होता है ऑप्शंस देख लेते हैं पहला ऑप्शन है हमारा सडन कंफ्यूजन दूसरा ऑप्शन है हमारा द वो सडन वीकनेस इन द आर्म आर लेग तीसरा ऑप्शन है हमारा द वो सडन सीवियर हैड विद नो कॉज फोर्थ ऑप्शन है हमारा द वो सडन ट्रबल इन द सीन और अंतिम ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ द एब तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा स्ट्रोक होता है उसके इनमें से हम कह सकते हैं कौन सा उसका सिम्टम होता है तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द द ई ऑल ऑफ तो जो हमारे एक तरह से वो चारों सिम्टम हैं वो हमारे स्ट्रोक के सिम्टम्स होते हैं अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन विच ऑफ द दीज लाइफ फैक्टर प्ले द बिगेस्ट रोल इन इंक्रीजिंग रिस्क फॉर स्ट्रोक इन द यंगर एडल्ट जो हमारे यंगर एडल्ट होते हैं उनके अंदर स्ट्रोक के रिस्क को इंक्रीज करने के लिए एक तरह से से इनमें कौन सा लाइफ स्टाइल फैक्टर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑप्शन देख लेते हैं पहला ऑप्शन है हमारा ओवरवेट दूसरा ऑप्शन है हमारा लिटिल आर नो एक्सरसाइज तीसरा ऑप्शन है हमारा हाई ब्लड प्रेशर और अंतिम ऑप्शन है हमारा स्मोक तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द लाइफ स्टाइल फैक्टर के बारे में जो कि जो हमारा स्ट्रोक का रिस्क फैक्टर होता है उसको इनक्रीज करता है तो यहाँ पे हमारा जो स्मोक है वो हमारे एक तरह से वो हम कह सकते हैं लाइफ स्टाइल का ऐसा फैक्टर है जो कि हमारे स्ट्रोक के आने के जो चांसेज हैं जो हमारे होते हैं यंगर एक तरह से एडल्ट होते हैं उनके अंदर उसके चांसेस को डबल कर देता है तो अगर आपके एक तरह से एग्जाम में कुछ इसी तरह का क्वेश्चन आता है बट वहाँ पे स्मोकिंग नहीं होता है तो उस कंडीशन में जो हमारा हाई ब्लड प्रेशर होता है ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है स्ट्रोक को प्रेसिपिटेट करने का अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन ए फोबिया ऑफ हाइट इज नोन है जो हमारा हाइट से फोबिया होता है डर होता है उसको हम लोग इनमें से क्या कहते हैं ऑप्शन देख लेते हैं पहला ऑप्शन है हमारा एक्वाफोबिया दूसरा ऑप्शन है हमारा एक्रोफोबिया, तीसरा ऑप्शन है हमारा न्यूरोबायोटैक्सिस और अंतिम ऑप्शन है हमारा हीमो फोबिया तो अगर हम हाइट से फोबिया के बारे में बात करते हैं तो उसको हम लोग एक्रोफोबिया भी कहते हैं तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द बी एक्रोफोबिया। फोबिया जो हमारा एक्वाफोबिया होता है वो फियर विद द वाटर होता है अगर हम बात करते हैं अबाउट द हीमो तो उसको हम लोग फियर विद द ब्लड कहते हैं जो हमारा होता है एक तरह से इमिटो हल्फोबिया होता है उसको हम लोग फियर विद द वोमिटिंग कहते हैं और जो हमारा होता है इंटेमोफोबिया होता है उसको हम लोग फियर ऑफ इंसेक्ट कहते हैं तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द तालाब पे जाता है या ऐसे स्थान पे जहाँ पे काफ़ी पानी है तो उस कंडीशन में अगर किसी को डर लगता है तो उसको हम लोग कहते हैं एक्वाफोबिया कहते हैं अगर वो जो हमारा पेशेंट है वो अगर जो किसी के ब्लड देख लेता है कि उसके खून निकल रहा है तो उस कंडीशन में उसको वहां पे डर लगने लगता है तो उसको हम लोग हीमोफोबिया कहते हैं अगर कोई उल्टी कर देता है उस कंडीशन में अगर आपको भी उल्टी करने की इच्छा होती है तो उस तरह का जो हमारा होता है फियर उसको हम लोग कहते हैं द इमिटोफोबिया कहते हैं और अगर कोई है एक तरह से इंसेक्ट से वो डरता है वो कॉकरोच से वो चूहे से इन सब चीज से तो इसको हम लोग कहते हैं द इन मोफोबिया तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा द फोबिया ऑफ द हाइट इज कॉल्ड द एक्रोफोबिया अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 द अल्जाइमर इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ व्हिच ऑफ दीज ऑप्शंस देख लेते हैं पहला ऑप्शन है हमारा द malnutrition दूसरा ऑप्शन है हमारा डिमिनशन तीसरा ऑप्शन है हमारा द फैटीग्यू और अंतिम ऑप्शन है हमारा साइकोसिस तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द अल्जाइमर तो वो एक तरह का मोस्ट कॉमन फॉर्म होता है हमारे डिमेंसिया का तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द बी वो डिमेंसिया यहाँ गलती से ए हो गया है दैट इज द बी जो हमारा एल्जाइमर होता है एक तरह से ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है हमारे वो डिमेंसिया का और इस कंडीशन में अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे हमें जो हमारा होता है मेमोरी लॉस वो देखने को प्राप्त होता है अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटीफ्रेनिया इज ऑफन कॉल्ड द स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो हमारा होता है सीजोफ्रेनिया होता है क्या उसको हम लोग स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं ये हमारा सेंटेंस ट्रू है कि फाल्स है तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द सीजोफ्रेनिया तो उसको हम लोग स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ए True. अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन द साइकोसिस मीन दैट हर पर्सन ऑप्शन देख लेते हैं पहला ऑप्शन है हमारा वो सफर मेमोरी लॉस दूसरा ऑप्शन है हमारा सफर्स फ्रॉम द क्रोनिक इंसोमिया तीसरा ऑप्शन है हमारा वो कैन नॉट डिस्टिंग्विश इमेजिनेशन फ्रॉम द रियलिटी और अंतिम ऑप्शन है हमारा द ए वायरस दैट अफेक्ट द ब्रेन तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द साइकोसिस तो इसका जो हमारा होता है मतलब कि जो हमारा पेशेंट है वो एक तरह से जो उसका है इमेजिनेशन और रियलिटी है उसके बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द सी वो कैन नॉट डिस्टिंग्विश द इमेजिनेशन फ्रॉम द रियलिटी हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू तो फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ उसीजोफ्रेनिया कैन बी इंक्लूड ऑप्शंस देख लेते हैं पहला ऑप्शन है हमारा द इरेशनल स्टेटमेंट दूसरा ऑप्शन है हमारा एक्सेसिव क्राइंग तीसरा ऑप्शन है आउटबर्स्ट ऑफ द एंगर और अंतिम ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द सिज़ोफ्रेनिया तो उसका जो हमारा फर्स्ट सिम्टम होता है वो हमारा होता है ऑल ऑफ द अबव तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है जो हमारा होता है एक तरह से इरेशनल स्टेटमेंट होता है एक्सेसिव क्राइंग होता है या हमारा इनएबिलिटी ऑफ द क्राइंग होता है जो हमारा एंगर है उसका जो होता है आउटब्रेस्ट होता है वो भी जो हमारा सोशल विड्रॉल होता है और जो हमारा होता है एक्सट्रीम रिएक्शंस ये हमारे सारे सिम्टम्स होते हैं हमारे एक तरह से वो सीजोफ्रेनिया के फर्स्ट सिम्टम्स होते हैं अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री द गैस्ट्रिक अल्सर इज ड्यू टू जो हमारा गैस्ट्रिक अल्सर होता है वो इनमें से किसके कारण होता है पहला ऑप्शन है हमारा इन प्रोडक्शन ऑफ द एसिड दूसरा ऑप्शन है हमारा ब्रेकडाउन ऑफ द म्यूकोसल डिफेंस तीसरा ऑप्शन है हमारा जीई जिसको हम लोग कहते हैं वो रिफ्लक्स डिजीज कहते हैं और अंतिम ऑप्शन है हमारा नन ऑफ तो अगर हम बात करते हैं गैस्ट्रिक अल्सर के बारे में तो वो हमारा जब होता है जो हमारा होता है म्यूकोसल डिफेंस जब वो वहां पर उसका ब्रेकडाउन हो जाता है तो उस कंडीशन में हमें गैस्ट्रिक अल्सर देखने को प्राप्त होता है

तीसरा ऑप्शन है हमारा इनिबिट एच प्लस सिक्रीशन और अंतिम ऑप्शन है हमारा इनश्योर एच प्लस सिक्रीशन तो अगर हम बात करते हैं जो हमारा होता है सोमेटोस्टेटिन होता है उसका इनमें से कौन सा फंक्शन होता है तो वो जो हमारा हिस्टामिन होता है और हमारे एक तरह से गैस्ट्रिक रिलीजिंग जो हमारे सेल्स हैं उनको इनिबिट करने का काम करता है तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज दिबिट हिस्टामिन एंड गैस्ट्रिक रिलीजिंग Cells. अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर बाई द ड्रग ड्यूरिंग ए पेप्टिक अल्सर जो हमारा होता है पेप्टिक अल्सर उसमें जो हम ड्रग देते हैं वो इनमें से किस रिसेप्टर को क्लोज करने का काम करता है ऑप्शन देख लेते हैं पहला ऑप्शन है हमारा एच वन दूसरा ऑप्शन है H2, तीसरा ऑप्शन है प्रोटॉन पंप और अंतिम ऑप्शन है हमारा एच एंड प्रोटॉन पम्प तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द पेप्टिक अल्सर उसमें जो हम ड्रग देते हैं वो इनमें से किस रिसेप्टर को ब्लॉक करने का काम करता है तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द डी एच टू एंड प्रोटॉन Pump, तो जो हमारे एंटी अल्सर एजेंट होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं इनमें जो हमारा एक तरह से हम कह सकते हैं पहला है वो हमारा जो गैस्ट्रिक एसिड है उसके सिक्रीशन को रिड्यूस कर देता है जो हमारा वो दूसरा है वो हमारा जो है गैस्ट्रिक एसिड उसको वहाँ पे न्यूट्रलाइज करने का काम करता है इसको हम लोग एक तरह से एंटासिड भी कहते हैं जो हमारा तीसरा है वो जो हमारा अल्सर है उसके ऊपर एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयर को फॉर्म करने का काम करता है और जो हमारा अंतिम है वो हमारा कहलाता है एंटी एच या इसको हम लोग एक तरह से एंटीहिस्टामिन भी बोलते हैं और इसमें हम लोग एक तरह से यूज करते हैं वो पाइलोरिक ड्रग्स को यूज करते हैं तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द डी एच टू एंड प्रोटॉन पंप, अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग आर एच टू एंटी हिस्टामिन इनमें से वो कौन सी ड्रग है जो कि हमारी एच टू एंटी हिस्टामिन है ऑप्शंस देख लेते हैं पहला ऑप्शन है हमारा द सीमेटेडिन दूसरा ऑप्शन है ओमेप्राजोल तीसरा ऑप्शन है हमारा जो पायरन और अंतिम ऑप्शन है हमारा मीसो प्रोस्टॉल तो अगर हम बात करते हैं कि इनमें से वो कौन सी ड्रग है जो कि हमारी एच टू एंटीहिस्टामिन ड्रग है तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द दिमैटेडिन तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द ए वो सीमेटेडिन तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द एच टू तो उसमें हमारा आता है वो सीमेटेडिन आता है

उसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए हम कुछ एंटासिड्स को बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग यूज करते हैं हमारा आता है होगा। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग आर अल्सर प्रोटेक्टिव इनमें से कौन सी ड्रग हमारी अल्सर प्रोटेक्टिव है पहला ऑप्शन है हमारा द सीमेटेडिन दूसरा ऑप्शन है ओमेप्राजोल तीसरा ऑप्शन है हमारा सुक्राल्फेट और अंतिम ऑप्शन है हमारा मिसोप्रोस्टो तो अगर हम बात करते हैं कि इनमें से वो कौन सी ड्रग है जो कि हमारे एक तरह से अल्सर प्रोटेक्टिव की तरह हम उसको यूज करते हैं तो जो हमारा सुक्राल्फेट है उसको हम लोग अल्सर में जो हमारा है एक तरह से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अल्सर प्रोटेक्टिव की तरह हम उसको यूज करते हैं तो जो हमारा सुक्राल फेट होता है वो कोलाइडल बिस्मत होता है इसको हम लोग एक तरह से अल्सर को प्रोटेक्ट करने के लिए अल्सर प्रोटेक्टिव की तरह यूज करते हैं अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट वाट इज द जी ई आर डी जो हमारा जी आर डी होता है वो क्या होता है पहला ऑप्शन है हमारा वेंदर लोअर इसोफेगस स्फिंक्टर डज नॉट ओपन दूसरा ऑप्शन है हमारा वेंदर लोअर इसोफेगस स्फिंक्टर इज इस नॉट एट ऑल प्रेजेंट तीसरा ऑप्शन है हमारा द एसिड फ्रॉम द स्टमक फ्लो बैक टू तो इसोफेगस और अंतिम ऑप्शन है हमारा वेन एसिड इन द स्टमक इज नॉट प्रोड्यूस इन द दफिशियंट अमाउंट तो अगर हम जी के बारे में बात करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं गैस्ट्रोइेल रिफ्लक्स डिजीज बोलते हैं तो इसमें जो हमारा होता है एसिड जो हमारे स्टमक में होता है वो हमारे में बैक फ्लो के थ्रू वापस चला जाता है तो यहां पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द सी वेन एसिड फ्रॉम द स्टमक फ्लो बैक टू द जाएगा यहाँ पे गलती से ए हो गया है दैट इज द सी अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग वो करेक्टली डिफाइन ए पेप्टिक अल्सर इनमें से एक तरह से वो कौन सा स्टेटमेंट है जो कि हमारे पेप्टिक अल्सर को सही सही डिफाइन करता है पहला हमारा स्टेटमेंट है व्हेन द इसोफेगस स्टार्ट गेटिंग थिनर दूसरा ऑप्शन है हमारा बेनिगन लेन ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा तीसरा ऑप्शन है हमारा वेन द अपर इसोफेगस गेट लाइन बाय द रेड कलर टिश्यू और अंतिम ऑप्शन है हमारा वेन लोअर इसोफेगस गेट लाइन बाय द रेड कलर टिशू तो अगर हम बात करते हैं कि ये जो हमारे स्टेटमेंट हैं इनमें से कौन सा हमारे पेप्टिक अल्सर को करेक्टली डिफाइन करता है तो यहां पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द द बी ए वो ऑफ गैस्ट्रिक जो हमारा म्यूकोसा होता है वो हमारे पेप्टिक अल्सर को करेक्टली डिफाइन करता है तो इस कंडीशन में जो हमारा होता है गैस्ट्रिक और जो हमारा डिओडिनल म्यूकोसा होता है वहां पर हमें वो लेसन देखने को प्राप्त होते हैं और उस कंडीशन में हमारा होता है म्यूकोसल थिलियम होता है वो वहाँ पे एसिड और जो हमारा पेप्सिन है उससे एक्सपोज हो जाता है और वहाँ पे हमें पेप्टिक अल्सर देखने को प्राप्त होता है तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द बी ए वो बेनिगन लेशन ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी इंक्रीज ऑफ द एसिड प्रोडक्शन और डिक्रीज ऑफ बाइकार्बोनेट कैन गिव ए पेप्टिक अल्सर ये हमारा सेंटेंस ट्रू है कि फाल्स है तो जो हमारा होता है एसिड का प्रोडक्शन अगर वो इंक्रीज हो जाता है या जो हमारे बाइकार्बोनेट हैं वो अगर डिक्रीज हो जाते हैं तो उस कंडीशन में वो पेप्टिक अल्सर को क्रिएट करते हैं ये हमारा सेंटेंस ट्रू है तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ए ट्रू जो हमारा होता है एक तरह से हाई लेवल ऑफ अगर एसिड का प्रोडक्शन होता है तो वो क्या करता है कि वो जो हमारे म्यूकोसल लेयर है उनको वहाँ पे वीक कर देता है इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर जो हमारा एसिड का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है या जो हमारे बाइकार्बोनेट है वो अगर डिक्रीज हो जाते हैं तो वो एक तरह से कॉज करते हैं हमारे पेप्टिक अल्सर को अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन पे आते हैं द मोस्ट अल्सर आर ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ द एच पाइलोरी होता है उसके कारण अधिकतर हमको देखने को प्राप्त होता है ये हमारा सेंटेंस ट्रू है कि फॉल्स है तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द एच पाइलोरी तो वो हमारे अधिकतर अल्सर को कॉज करने का कारण होता है तो यहां पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ट्रू जो हमारे अधिकतर अल्सर होते हैं उनमें हमें जो हमारा एच पायलोरी है उसके इन्फेक्शन के कारण अधिकतर अल्सर होते हैं बट इस कंडीशन में भी कि जो हमारा होता है हर जो हमारा एच पायलोरी है उसका जो हमारा इन्फेक्शन है वो हमारे अल्सर को कॉज नहीं करता है बट अधिकतर जो हमारा एच पायलोरी है उसके जो इन्फेक्शन है उसके कारण हमें अपने अल्सर्स देखने को प्राप्त होते हैं ओके फ्रेंड्स एंड मैडर्सेंट ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे अगर कहीं पर भी कोई है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपके पास भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है तो अगर आप उसको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे तो और स्टूडेंट को हेल्प करेगा इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें थैंक यू